तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ना कि किस तरह से आप यदि पेटीएम का यूपीआई पिन भूल गए हैं, मतलब जब ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं तो पिन मांग रहा है, पिन दे नहीं पा रहे हैं, आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है चूंकि आपको पिन याद नहीं यूपीआई का, तो कैसे दोबारा से रीसेट करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों एक्चुअली शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो सिंपल हमको करना क्या होगा, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अपने पेटीएम ऐप को ओपन करना है। यदि मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को आखिरी में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल है, पेटीएम ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका कॉर्नर पे प्रोफाइल दिखेगा, तो इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर ना आपको टैप कर देना है। इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आपके यहाँ पे आपका जो डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट है, मतलब सेकेंड पे आपका अकाउंट दिखेगा, जिस अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट लिंक हैं यहाँ पे पेटीएम से सभी दिखा दिए जाएंगे। अब जिस वाले बैंक अकाउंट का आपको पिन नहीं याद है उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हमें यूको बैंक वाले का पिन नहीं याद है तो सिंपल हम चेंज पिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके एटीएम कार्ड की कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर मांगी जाएंगी तो उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आइए मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने एटीएम कार्ड के आखिरी के ना 6 अंक देना होगा, तो हम दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी मंथ देना होगा कि किस मंथ में एक्सपायर हो रहा है, तो हम वो भी दे देते हैं। फिर यहाँ पे राइट पे क्लिक करते हैं प्रोसेस पे, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करेंगे हमारे फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, और एक बात का ध्यान रखिएगा ना, ओटीपी तभी रिसीव होगी जब आपका मोबाइल रिचार्ज होगा। आपके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, नहीं तो रिचार्ज नहीं होगा तो ओटीपी नहीं आएगी। हमारी ओटीपी आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए भर देते हैं, भर दिया, राइट किया और अपना एटीएम का पिन यहाँ से दे देना होगा। देने के बाद फिर राइट करना होगा। अब आपको ना यहाँ से अपना नया वाला पिन बना लेना होगा, ठीक है। तो नया वाला पिन जो आप बनाना चाह रहे हो वह पिन अपना रख के यहाँ पे राइट करना होगा। फिर से यहाँ पे वही पिन देना होगा, नया वाला जो बनाना चाह रहे हैं फिर राइट करना होगा। अब आपका सक्सेसफुल ना यहाँ से पिन जो है यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, और इसी पिन जो अभी आप बनाया नया वाला, इसी पिन की मदद से आप भविष्य में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करूंगा हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।